हाय एवरीवन, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। ये देख सकते हैं, ये हैंडवॉल का थर्मोस्टेट लगा हुआ है, इसमें बिजली नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रही। ठीक है, ये देखिए, यहीं पे एक बाजू में और एसी है, इसमें देखिए बिजली आ रही है। ये मैं ऑन करता हूँ, ये ऑन हो जाती है। ठीक है, ये फ़ैन ऑन करूँगा, आवाज़ आई, ये ऑन है, ये चालू हो रही है। ठीक है, इसमें बिजली नहीं आ रही। ओके, दो एसी इधर है और दो एसी ये साइड में भी है। दो एसी में से ये दो एसी इधर है। ठीक है, ये चार एसी हो गया, चार एसी में से दो एसी बिल्कुल नहीं चल रही। इधर का ये एसी चल रही है और ये एसी नहीं चल रही। ओके, अभी हम लोग ऊपर जाके देखेंगे मसला क्या है। ये मिसुबिशी का एसी है। ओके, अभी हम लोग ऊपर जाके चेक करेंगे इंशाल्लाह। ये अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ये मीनारा है। ये बड़ा दिक्कत वाला सीढ़ी है, इस वजह से बहुत दिक्कत होता है चढ़ने के लिए। ओके, हम लोग अब ऊपर जाके चेक करके बताएंगे। हाँ, अभी हम लोग ये टीवी में आया, टीवी में देख रहे हैं, दो बहुत पुराना ये टीवी है यार। सोच है आपकी, इतना पुराना ये टीवी है, लेकिन नंबर वन है। अभी का जो आ रहा है वो तो बस अल्लाह ही खैर करे, लेकिन ये नंबर वन है। देख रहे हैं, ये बंद है, ट्रिप किया हुआ, और ये ट्रिप किया हुआ। अभी हम ऑन करेंगे। ओके, अभी इसको पहले ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ किया, अब इसको मैं ऑन करूँगा। ऑन किया, अब इसको भी मैं बंद करके, देखिए ये ऑन है लेकिन ये ऑन नहीं है, बीच में आया हुआ, मिडल में आया हुआ। इसको इसको चालू करो, तो बंद करके वापस चालू करो भाई। वो बोर्ड का है, खबर बंद करके, बंद करके, बंद करके, बंद करके, बंद करके वापस चालू करो। अभी मैंने ऑन कर दिया, अभी ये चालू हो गए। ठीक है, अब हम लोग थर्मोस्टेट की तरफ जाते हैं, उसके बाद चालू करते हैं इंशाल्लाह। देखते हैं अभी। देख सकते हैं थर्मोस्टेट में बिजली आ गई। अभी मैं ऑन करता हूँ, फ़ैन को ऑन करता हूँ। ये फ़ैन ऑटो है, ऑन भी है, एसी चालू हो गया। ये देखिए, टेम्परेचर कम कर देता हूँ और ये भी ऑन कर देता हूँ। ओके, दूसरा, ये दो एसी दोनों चालू हो गया। अभी दो एसी उधर था, एक एसी जिसमें से बंद था, अभी ये दोनों भी, ये बिजली अभी भी नहीं आई है। एक में आया, एक में नहीं आई है। तो अभी फिर भी मेरे को अब ऊपर जाना पड़ेगा, इसके लिए ऊपर कुछ मसला है। ओके, इंशाल्लाह हम लोग अब ऊपर जाएंगे। एसी के ऊपर रूफ टॉप पे आ गया हूँ, अभी ये मेरे को खोलना है। ये कितना टन का एसी है? ये लगभग 15 टन का, मेरे ख्याल से 15 टन का एसी है। ठीक है, मैं भी इसको ओपन कर रहा हूँ। ये ज़बरदस्त है, टाइटर जो है ना, यूज़ करेंगे ना। ये देखिए कितना देर लगा, ये देख सकते हैं, एकदम घंटों का काम मिनटों में होती है। इससे बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हमारी राय ये है कि सब कंपनी वाला को चाहिए कि हर टेक्नीशियन को एक एक टाइटर दे ये वाला, क्योंकि आपका जो काम टेक्नीशियन आधा घंटा में कर सकता है, वो वही काम 2 घंटा लगता है। कोशिश करें कि सब अपने अपने टेक्नीशियन को बेहतर है कि एक एक टाइटर दें, बहुत ज़बरदस्त चीज़। अब हम लोग कवर खोलेंगे। ये कवर भी खुल गई है, ये कवर खुल गई। अब मेरे को ये कवर खोलना, वायरिंग बॉक्स का कवर ये है। ये वायरिंग बॉक्स देख सकते हैं, अब देखना है कि बिजली आ रही है इधर कि नहीं आ रही। ओके, तो हम लोग इसको, मतलब कि बिजली तो आ रही है, जैसा कि मालूम पड़ा, कंप्रेसर चालू हो रही है चालू, माशाल्लाह कंप्रेसर चालू हो रही है, मतलब कि कुछ और लफड़ा है। देखते फाइंड आउट किया, लेकिन फाइंड आउट करने के बाद मालूम पड़ा कि ये न्यूट्रल जो है ना, न्यूट्रल यूनिट को मिल ही नहीं रही है। ठीक है,
मैंने अभी चेक किया कंटिन्यूटी से, ये हरमेट केबल है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन डैमेज है। यहाँ से वो ये इंसुलेटर से यूनिट में नहीं जा रही है, यूनिट तक यहाँ इंसुलेटर तक आ रही है नीचे से, लेकिन इंसुलेटर से यूनिट में नहीं जा रही न्यूट्रल। ओके, अभी हम लोग नया वायर लगाएंगे सेपरेट करके। सिर्फ न्यूट्रल का मसला है, न्यूट्रल की वजह से 24 वोल्ट नहीं छोड़ रही, इसकी वजह से यूनिट चालू नहीं हो रही। ओके, अभी हम लोग लगाएगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह चालू करके फिर चेक करते हैं क्या मसला है, फिर देखते हैं। 99% चांस है कि ये न्यूट्रल का मसला है। ओके, इंशाल्लाह आ गया है। ये 4 mm का वायर है, अभी 4 mm हम लोग डालेगा। ठीक है, अभी मैं 4 mm डाल रहा हूँ, ये खुल रही है, लगा दिया। ये देखिए न्यूट्रल में थी डैमेज वायर था, इसलिए हम लोग ने दूसरा न्यूट्रल लगाया एक्स्ट्रा। ये जा रही है इधर से, और ये इंसुलेटर में, ये इंसुलेटर में मैंने लगा दिया, और जो डैमेज न्यूट्रल था उसको मैं ऑलरेडी डिसकनेक्ट करके टेप मार के लगा रखती हूँ। ठीक है, अभी मैं नीचे से जाके चालू करता हूँ यूनिट, बाद में चेक करता हूँ यूनिट होती है, मैं बोलता हूँ दूसरे आदमी को चालू करने के लिए चालू होती है। इंशाल्लाह एसी चालू हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। वायर सिर्फ ख़राब था, वायर डैमेज की वजह से न्यूट्रल नहीं बाईपास हो रही थी, यूनिट में नहीं जा रही थी, इसलिए ये नहीं चालू नहीं हो रही थी। ओके एवरीवन, ओके, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ओके, कमेंट करें, अगर कुछ मसला है तो कमेंट भी करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।